मैं वीडियो बना रहा हूँ और मेरा बच्चा, हेलो गाइस, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ और मेरा बच्चा मेरे को कह रहा बार बार कि मुझे निकालो मुझे निकालो, मेरे पीछे आ जा रहा बार बार। ठीक है, हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल, जय श्री राम। तो भाई, काफ़ी लोगों का कहना था कि यूट्यूब पे वीडियो क्यों नहीं आ रही। वो भाई इसलिए नहीं आ रही थी कि मेरा फ़ोन खो गया था घर से मुंबई के लिए। जब मैं आ रहा था वापस, मतलब जॉब पे, तो मेरा फ़ोन खो गया था और मेरे को गाइस अचानक आना पड़ा था जॉब के लिए। जॉब रहती है, आपको जो जो जॉब करते होंगे उनको पता ही है। तो मेरे को अचानक से कॉल आया था, तो मैं आया था जॉब पे और मैंने टिकट तत्काल में करवाई थी। मैं घर से निकल रहा था, मैंने दोस्त को बोला था कि भाई जो भी है, मतलब एक दिन पहले, 24 घंटे 12 घंटे पहले जाके तू पूछ और टिकट देख है क्या मुंबई सेंटर पे, सहारनपुर टू या फिर हरिद्वार टू। तो दोनों जगह से वो कर रहा था भाई, दोनों जगह से हुई नहीं, दोनों पे, एक पे उधर पे हो रही थी हरिद्वार वाले पे, पर एक दिन लेट हो रहा था। फिर एक दिन मेरे को वहीं रुकना पड़ता था। फिर वो ट्रेन भी कितनी थी, 28 घंटे वैसे कुछ थी दिखा रही थी। ठीक है, तो फिर मुंबई सेंट्रल देखा मैंने, वो दिखा रही थी 22 घंटे में सहारनपुर टू मुंबई। ठीक है, फिर मैंने बोला यार टिकट हुआ नहीं, मैं क्या है लौंडे आदमी हैं जो उस पर चले जाते हैं जनरल पे। ठीक है, ऐसा तो कोई है नहीं कि। फिर मैं जनरल पे आया तो फिर बाद में मेरे को स्लीपर मिल गया था। मैं स्लीपर पे गुजरात पे, मैं भाई पूरी रात जगा रहा, दिन भर जगा रहा। तो शाम की बात थी, 3 बजे या 4 बजे की बात। ठीक है, मेरे मैं सोने स्लीपर पे सोने लग गया। मेरे को उस टाइम सीट मिली ऊपर, मैं सोने गया ऊपर। ठीक है, अब पहले मैं नीचे बैठा हुआ ही था, लेकिन एक जगह पे एक सीट पे 5 आदमी 4 आदमी बैठे हुए, तो अच्छे से मतलब कंफर्टेबल हो भी रहे थे वहाँ पे। फिर जैसे ऊपर से वो भाई के लोगों का स्टेशन आया, एक गुजरात से पीछे, तो वो बोले कि आप ऊपर आ जाओ, लड़की थी एक बोली मेरे को ऊपर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। तो मैं ऊपर गया स्लीपर पे वहाँ पे सोने के लिए। और जैसे मैं ऊपर गया, मेरे को 1 घंटे के बाद 4 बजे लगभग नींद आ गई भाई, बहुत गहरी वाली एकदम टेढ़ी। क्योंकि पता ये नींद कैसी भाई, मैं को तो नींद ऐसी आ जाए कि 6 घंटे 8 घंटे तक पता नहीं आदमी जिंदा है या मरा हुआ है। ठीक है, और मैं जैसे सोया, फिर मेरे को नोटिफिकेशन चालू थे मेरे यूट्यूब के और मतलब व्हाट्सएप व्हाट्सएप और यूट्यूब के नोटिफिकेशन चालू थे मेरे, तो नोटिफिकेशन बज रहे थे बार बार। फिर मैंने फ़ोन देखा, मैंने क्या है, मैंने सोचा कुछ किसी का क्या पता मैसेज वैसेज हो। ठीक है, फिर मैंने जैसे वो देखे कुछ ये नहीं था, लाइक वाइक के थे, तो मैंने वो हटा के नोटिफिकेशन बंद करके जेब में डाल दिया फ़ोन। ठीक है, मतलब बंद देख के फ़ोन बंद करके जेब में डाला। अब मेरे को 4:30 बज गए थे उस टाइम पे। अब मेरी नींद खुली भाई 5 बजे, मतलब 5 बजे ऐसे नहीं, 4:40 पे ऐसे पे, और 1 घंटे के अंदर मेरा फ़ोन गायब हो गया। ठीक है, तो काफ़ी ढूंढा कॉल ट्रेस की, कॉल ट्रेस कैसे करते भाई, कॉल ट्रेस ट्रेन में नेटवर्क ही नहीं आ रहा उधर पे, कहीं पे कहीं आ रहा नेटवर्क, तो एक डंडी आ रही, वो ई लिखा हुआ आ रहा। ठीक है, दूसरों दोस्त जो मेरे अगल बगल में बैठे थे उनसे बोला मैंने यार ट्रेस करो जरा, आईफोन है मेरा मिल जाएगा ये। तो आधे घंटे के बाद उस पर कॉल गई पूरी, पहले वो स्विच ऑफ दिखा रहा था, आधे घंटे के बाद उस पर पूरी कॉल गई, उठाए नहीं। ठीक है, फिर मैंने मैसेज किया भाई कि जिसको फोन मिला यार 5,000 10,000 ले ले भाई, क्यों यार मेरे उस पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो उसको मतलब मेरे को फोन चाहिए भाई, जिसके पास भी है तू बेचेगा उसको, तेरे को कोई नहीं देगा 5-10 हज़ार से ज़्यादा, मेरे को दे दे 5-10 हज़ार में, तेरे को देता हूँ और ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ पुलिस कंप्लेन नहीं करूँगा अगर किसी को मिला है। मैंने सोचा भाई देखेगा मेरा नोटिफिकेशन चालू है तो व्हाट्सएप का मैसेज आएगा, आ गया आगे जाएगा, तो मैंने पूरा बड़ा मैसेज लिखा उसको। ठीक है, फिर भी किसी ने रिप्लाई नहीं दिया। तो मैं मुंबई सेंट्रल जैसे पहुंचा, तो जो रेलवे स्टेशन का वो पुलिस वुलिस वाले रहते हैं वहाँ मुंबई सेंट्रल में, तो मैंने उनको पूछा, उन्होंने बताया भाई यहीं पे बाहर पे ये है स्टेशन है, जाके कंप्लेंट कर लो, और फिर बाद में कंप्लेंट करोगे तो दिक्कत रहेगी, अभी के अभी कर दो। फिर मैंने कंप्लेंट किया भाई, मैंने डब्बा उब्बा, मेरे दोस्त था यहाँ पे राजा, ठीक है, तो मैंने उससे बोला कि भाई मेरे ड्रोअर में डब्बा रखा हुआ, बिल रखा हुआ, एंड क्या कहते हैं उसको, फ़ोन के साथ जो भी सब कुछ मिलता मिला था, डाटा टूटा केबल तो खैर मैंने घर ले ली थी, और वो लेके आया भाई पुलिस स्टेशन सब कुछ। फिर रातों रात मतलब उसी दिन 3 बजे रात को भाई मैं यहाँ पे पहुँचा स्टेशन पे। ठीक है, वो पहुँचाने वाली थी हमें 10 बजे। ठीक है, और सोचो तुम 10 बजे रात को यहाँ पहुँचा रही थी वो टाइमिंग के अनुसार, वो 3 घंटे डिले वो सहारनपुर में थी, और फिर यहाँ आते आते 3 घंटे और हो गए, 6 घंटे में उसने ऐसे खा दिए थे हमारे। ठीक है, तो काफ़ी लेट थी उस दिन ट्रेन, बारिश वारिश हो रही थी उधर,
पता नहीं बारिश का सिस्टम था क्या था, पर मेरे को मतलब 3 घंटे सहारनपुर पे लेट थी। उसने आना था 12 बजे और वो आई थी वहाँ पे 3 बजे, 4 घंटे लेट थी। ठीक है, फिर यहाँ पहुँचाना उसने 10 बजे और यहाँ पहुँचाए 2:30-3 बजे। और उसके बाद जो भाई जो भी ये सिस्टम हुआ, कंप्लेंट उम्प्लेंट की, और दिक्कत यार फोन खोने की नहीं, दिक्कत ये मेरे उस पर 10 ब्लॉग थे बनाए हुए गाँव का, और गाँव के मेले की 2 वीडियो, टटेश्वर महादेव की पूजा की वीडियो बना रखी थी, रामलीला की वीडियो बना रखी थी मैंने, पूरे मतलब 1.5 घंटे मैंने भाई एडिट कर ली थी रामलीला। ठीक है, पूरी रामलीला आगे से पीछे तक दिखा रहा था मैं, एक ही ब्लॉग बना रहा था मैं पूरा मूवी टाइप का उसका। ठीक है, सोचो कि 1.5 घंटे में एडिट करने में कितना टाइम लगेगा, कम से कम तब भी 1.5 घंटे में मेरे 10-12 घंटे लग गए थे उस पर। ठीक है, एडिट बाकी मैंने एडिट इसलिए अपलोड इसलिए नहीं कर पाई थी कि वो नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू था यार गाँव में, मतलब कोई भी कुछ भी देखो तो भाई नेटवर्क नहीं मिल रहा था। ठीक है, मेरे एक वीडियो डाली थी मैंने वही जो नहाने वाली, ठीक है, तो उसमें भाई कितने 2 दिन या 2.5 दिन लग गए मेरे एक वीडियो डालने में। तो सोचो भाई 2-2.5 दिन लग रहे थे एक वीडियो, और वाईफाई गांव में घर में किसका होगा यार, पहाड़ पे तो किसी का था नहीं, वाईफाई होगा भी तो भाई पता नहीं यार, इतना पता नहीं गाँव में मेरे को, तो जिसका भी वाईफाई होगा सॉरी अब कोई तो फिर मैंने वीडियो नहीं डाली भाई। इतनी सारी वीडियो मैंने एडिट करके मैं नीचे ला रहा था कि मुंबई में जाके वाईफाई से मैं सारे अपलोड करूंगा, एक से एक, पहले एक फिर दूसरे, और मेरे कम से कम 10 ब्लॉग भाई गाँव का अपनी मम्मी पापा को दिखाने वाला था। मैं सोच रहा था यार सारे यूट्यूबरों की तरह घर जाके अपनी मम्मी पापा को दिखाऊंगा, सबसे प्राउड फील तो होता भी होता ना भाई, अपनी मम्मी पापा को दिखाओ बोले ये वो सब। तो ठीक है, सारा पानी में चलो कोई नहीं, अगली बार अगले साल जाऊँगा घर तो दिखाऊँगा सबको, फैमिली को एंड गाँव को भी दिखाऊंगा, अब मेले की भी, रामलीला भी। ठीक है, तो गाइस बने रहिए यार, जो भी भाई मेरी वीडियो देख रहे लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो, 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर दो यार 1 साल के अंदर, 2 महीने हो 3 महीने हो गए गाइस, 2 महीने मैंने पहले वीडियो बनाई, 1 महीने फ़ोन गायब हो गया, अभी मैंने दूसरा फ़ोन लिया है तो 15-20 हज़ार का। तो फिर भाई इतना 1000 सब्सक्राइबर कर दो यार, मैं फिर से आईफोन ले लूँगा भाई वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ यार गाइस लाइक कमेंट शेयर कर दो यार, इनकी शरारत है, मैं वीडियो बना रहा था ये बार बार पीछे आ रही मेरे को और परेशान।